वेलकम टू माई YouTube चैनल, वेलकम टू माई न्यू व्लॉग। जो लोग ये चेहरा पहली बार देख रहे हैं वो जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप मेरी पिछली वीडियोस भी देख सकें और आने वाली वीडियोस भी देख सकें। आज के दिन थोड़ा सा एक्साइटिंग है, वो इसलिए क्योंकि मेरी बहन ने जश्न बहारा की सेलिब्रेशन रखी है अपने घर के ऊपर। वैसे तो हर दिन बहार का होता है, अगर आपके साथ आपकी कंपनी अच्छी हो, आपके इर्द गिर्द लोग अच्छे हों, आपके आपका खुशगवार माहौल में आप रहते हो, तो हर दिन बहार का होता है, चाहे वो खिजा का ही मौसम क्यों ना हो। क्या बात है जी, एक्टिंग की बादशाह हो कसम से। लेकिन लिटरल मीनिंग में जो बहार है वो शुरू हो चुकी है और हर तरफ हरियाली हरियाली हो रही है, मौसम खुशगवार हो रहा है और रमजान भी आने वाले हैं माशाल्लाह से, तो वैसे ही खुशी जो है वो डबल डबल हुई हुई है। खैर अभी हम होंगे तैयार, पहले मैंने अभी नाश्ता भी नहीं किया। वैसे तो जुमा है आज और मैंने नमाज पढ़ ली है लेकिन मैंने नाश्ता नहीं किया, तो नाश्ता पहले तैयार हो जाते हैं, पहले तैयार होती हूँ मैं और उसके बाद फिर हम चलते हैं नीचे और नीचे जाके हम करते हैं नाश्ता और फिर देखते हैं कि आज क्या होगा एक एक करके। तो मैं हो गई हूँ तैयार और मैंने तो नाश्ता नहीं किया, एक गाड़ी जा चुकी है, अभी एक गाड़ी रहती है। मैं अपनी फुल लुक आपको वहीं जाके दिखाऊंगी क्योंकि मुझे बहुत भूख लग रही है, मैं नाश्ता कर लूँ जल्दी से। ये मेरा नाश्ता है, शेयर करना है वो छोटे डॉन, छोटे डॉन गिरे हो, ये गिरा है बेचारा अभी। शेयर मेरी फुल लुक दिखा दो प्लीज, इस तरह करके बहुत कम। ऐसे नहीं करो, ऐसा नहीं करो, फिर नहीं करो। कृष्ण बहार हां ये जेल करो, तेरी जेल करो, तेरी कम बस लेकर आ रही हूं। आ जा पीछे जाने, करो पीछे पड़ा हुआ है नीचे। ठीक है अरे कहां देख रहे हो, जो जा जेल भरो तहरीक चल रही है, जाओगी तो रहन दो फिर। Nobody's ready. Okay. We are here. क्या बाबा भी है? साकी है? क्या हुए? मुझे ढूंढा गया। आमना कह रही है, उन्होंने कहा डंडा नीचे करके कह रही है बंदा। बंदा नहीं शेरी, गुड़िया पकड़ने वाले लग रहे हो। फायरिंग फायरिंग ना करें प्लीज। आपसे इज्तिमाई इल्तमास है कि फायरिंग से गुरेज करें, अपने सामान की हिफाजत खुद करें। आपको खड़ी नहीं है बंदरिया, मैं गुटे पकड़ या आमना और आमना का पाऊं। भाई तुम्हें क्या आफत आई, तुम पसंद मनाने आओगे चेहरे पे पाऊं के साथ। एनीवे दुनिया का सबसे बड़ा गुड्डा, दुनिया का सबसे बड़ा गुड्डा। ये जो झंडा काम आऊं मैं भी, ऐसे कैसे चलेगा दीदी? नहीं हलवा वो करो, बना हमें भी उड़ा के दो। अब्दुल्ला उड़ाओ थोड़ी सी,
कौन सी वाली है वो ऊपर तो ऊंचो अगर ऐसा अब्बू आ रहे हैं सुबह जाओ अब्बू को अब्बू को देख के कह रहे मैं हूँ एक्सपर्टीज कहाँ पे पुलिस आ गई आधी जेल तो इन लोगों से भर जाएगी लाला लाहौर की पसंद है याद है ना हाय कितने सालों हाँ लेकिन लाहौर में ज़्यादा कंजेस्टेड होती थी ना तो लोग तो वो बहुत बहुत ज्यादा रश है और वो याद है भाभी जान वो जो आग लगी थी ऊपर वो खुसरे डांस कर रहे थे लाला याद है आप ना खुसरे डांस कर रहे थे वो सामने गुजरों की छत पे आग लगी थी वो आखिरी हाँ वो आखिरी बसंत थी ना उसके बाद हम नहीं गए थे हाँ हम शुक्र है हम उससे वो थे अब आपको पता क्या हुआ है मारिया इतनी डरी हुई है कहती है मुसुक भी आया ना मुसुक भी ने कहा डंडा गिर गया बंदा गिर गया फिर मुसुक भी ने कहा कहीं गर्दन में पाँव पे रहे ये अनोखा लाडला घूम रहा है आसमान पे तुक्कल है ये तुक्कल इसको बोलते हैं I'm not wrong यार ये कितना बड़ा होगा मुसुबान ये रियल में कितना बड़ा होगा ढाई तावा मतलब कितना इतना इस दीवार से इतना आज की बसर जो बहुत डिसेंट सी है उसका एंड इंशाल्लाह अच्छा होगा मतलब ऐसे से मुराद कोई और वो लग खतरे के बाद चमेड़ने के लिए मुझे भी दो छिपोड़ में उड़ाने के लिए उड़ी हो बस पकड़ लो ना मैंने भी दो गुड्डे नाले का ही देखो डोर गुड्डी पकड़नी है तो उसका सामने डंडा ले इस तरह आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा खाना भी है तो बसंत खत्म हो गई है और हम नीचे आए मैं नीचे गई थी नमाज पढ़ने जब कोई अच्छा काम करता ना तो वो भी बताना चाहिए अब आए ना लाइन पे ये बसंत के बाद के हालात Everybody is so hungry रसीली ला दो तो शुरू ही हो गई पहले
अभी के प्लान कुछ यूं है कि हम क्या करने लगे हैं, जिस गेम को ये बेचारे खो खो खेलते हैं उनको गो गो कहते हैं। अच्छा, खो खो को गो गो कहते हैं, गो गो कहते हैं, गो गो खो खो। अभी हम खेलने लगे हैं गो गो। गाइस मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, मेरे पाँव बड़ा होता जा रही है। गया शिट। हाय, साथ में तुम जो बताओगी, तुमने जो बताया सही बताया, गलत बता। तुम खाओगी, हम पकड़ खड़ी हो, मैं करूंगी और क्या करूंगी। अगर मैंने नहीं, आपने अगर सही बता दिया ना, आप जीत गई। आप लोग भागेंगे, हम पकड़ेंगे। जानती हूँ उनको, तो फिर बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। और मैं आ गई थी घर वापस, और कपड़े शपड़े चेंज किए, मुँह शुद्ध धोया, और अब मैंने मंगवा लिया ये, क्योंकि मैं वहाँ से खा पी कर आई थी, बट स्टिल आई एम मुकड़। मैं ये खाती हूँ और आप सबसे लेती हूँ इजाज़त। आई होप कि आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, नहीं भी पसंद आया तो इट्स ओके। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।